डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हम दोबारा वीडियो लेक्चर में हाजिर हुई हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट है मैक 173 एमटी 132 सीएटी 143। और इसके हवाले से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निकल ड्राइंग एंड इट्स टाइप्स। इसको हम डिस्कस करेंगे, आज का लेक्चर ये हमारा होगा। और इस लेक्चर को कम्प्लीट करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफाइन टेक्निकल ड्राइंग को डिफाइन कर सकते हैं और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेक्निकल ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग की टाइप्स को आप बयान कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम आज नीचे जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेक्निकल ड्राइंग के अंदर आते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं उनको आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास मशीन ड्राइंग, इसमें हमारे पास है वन व्यू और टू व्यू ड्राइंग्स। दूसरी हमारे पास है वर्किंग ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, एक्सप्लोडेड ड्राइंग एंड देन वेल्डिंग ड्राइंग। ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ ड्राइंग है इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये इनको ड्राइंग के अंदर कैसे हम इसको ड्रा करते हैं और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले हम आते हैं मशीन ड्राइंग के ऊपर। मशीन ड्राइंग बेसिकली जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग हम बेसिकली ड्राइंग इसलिए करते हैं कि हम जो पार्ट्स मशीन पार्ट्स या कंपोनेंट्स उनको जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं बना रहे होते हैं तो वो सारे का सारा ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। ताकि ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर उसकी कंप्लीट शेप, उसका साइज, उसके होने वाले प्रोसेसेस को वो आसानी से बयान कर सके। तो उस हवाले से हम जब चलते हैं तो मशीन के कंपोनेंट्स या मशीन को जब क्लियर करने के लिए कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम उसमें आते हैं वन व्यू और टू व्यू के ऊपर। व्यूज के लिहाज से हम जब ड्राइंग को लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली हम उसको क्लियर कर रहे होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आसानी से उसके पर्सन तक या मशीनिस्ट तक पहुंचाने के लिए हम उसको क्लियर कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम वन व्यू यानी कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही पार्ट वन व्यू से ही वो क्लियर हो जाता है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके हवाले से दूसरा जो हमारे पास है वो टू व्यू, यानी वो वन व्यू से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी, तो हम फिर टू व्यू का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन व्यू की तरफ हम आते हैं तो वन व्यू के हम देखते हैं कि वो एक ही जो व्यू है वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट है जिसको अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो ये बड़ी आसानी से इसको क्लियर कर देता है। इस ऑब्जेक्ट को कि ये बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि किसी भी ये कंपोनेंट है, ये एक पार्ट है जिसको हम देख के उसको अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहें बनाना चाहें तो इसकी डायमेंशन इसके ऊपर अगर दे दी जाए तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी कंप्लीट हो सकती है, कंप्लीट दी जा सकती है। और इस कंप्लीट डायमेंशन देने के साथ ये एक ही व्यू के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, ये बन जाता है और इसकी ड्राइंग जो है वो वन व्यू कहलाएगी और ये मशीन ड्राइंग के अंदर। दूसरा है टू व्यू, यानी इसका कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वो थिकनेस भी बयान करनी होती है। उस हवाले से जब उसको बयान करते हैं उसमें दो व्यूज के लिहाज से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी एक व्यू देने के साथ जब तक दूसरा व्यू उसके साथ नहीं बनाएंगे, ड्रा नहीं करेंगे ड्राइंग के अंदर, उस वक्त तक वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सिंपल सा कंपोनेंट है इसको अगर देखें तो यहां तक तो इस लिहाज से हमें कुछ क्लियर दे रहा है, क्लियर समझ आ रही है। लेकिन अगर इसको आप देखें कि इसकी थिकनेस क्या है, ये कितना चौड़ा उसमें मोटा कितना है, थिकनेस इसकी क्या होगी, उस वाले से जब तक इसके साथ दूसरा जो व्यू है उसको हम ड्रा नहीं करेंगे तो ये हमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर देखें तो एक
इसमें से इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है उसकी ग्रूव्स के हवाले से, वो उसको बता रहा है, बाकी इसकी डाय के हिसाब से ये इसको इस चीज को ये व्यू क्लियर कर रहा है। लेकिन इसकी ये जो थिकनेस है, ये जब तक ये व्यू ड्रा नहीं कर पाएंगे तो ये इसको क्लियर नहीं करेगा, इस चीज को क्लियर नहीं करेगा। तो ये जब तक उसके अंदर दो व्यूज, मशीनरी ड्राइंग के अंदर दो व्यूज से, यानी ऐसे कंपोनेंट जिनको आप सिंगल पार्ट्स के अंदर नहीं ड्रा कर सकते, आपके लिए उसके लिए दूसरा व्यू जो है वो बनाना मस्ट होगा, ताकि उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, उसके लिए फिर हम टू व्यू ड्राइंग का सहारा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आती है वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग, इट इज द ड्राइंग विच कंटेन द ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ए मशीन और मशीन पार्ट्स। तो वर्किंग ड्राइंग, जैसे कि इसका नामक्लेचर इस चीज को क्लियर कर रहा है कि वर्किंग ड्राइंग के हम वो ड्राइंग जो कि उस कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग या उसके होने उसके ऊपर प्रोसेसेस या मशीन पार्ट्स के प्रोसेसेस के ऊपर हम वो ड्राइंग ड्रा करते हैं, जिससे उसके ऊपर आसानी से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है स्किल्ड पर्सन उसको कंप्लीट कर सकता है, बना सकता है। तब ये उसको क्लियर करेगा, जब तक इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होगी उस वक्त तक स्किल्ड पर्सन उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उस पार्ट्स को उस मशीन को वो ड्राइंग के बगैर नहीं ड्रा कर बना सकता। तो इसलिए जब ये ड्राइंग होती है, इसके अंदर कंप्लीट उसकी डायमेंशन, उसकी डिटेल सारी सारा इस ड्राइंग के अंदर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट के हवाले से कि हमारे पास ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, अब इसके मुताबिक हमने जो है वो इसको कंप्लीट करना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो हमारे पास इसकी यहां से यहां तक इसकी लेंथ, उसके बाद यहां से इसकी लेंथ, यहां से इसकी, इस पॉइंट से इसकी हाइट, इस पॉइंट से इसका होल का डाया, यहां से इसकी विड्थ, और इसके बाद यहां से इसकी थिकनेस, ये उसके बाद कंप्लीट यहां से यहां तक जो इसकी ये थिकनेस, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, ये कंप्लीट आपके पास इसकी कंप्लीट डायमेंशन होगी, और ये व्यू के तहत आप इसको देख सकते हैं, और इस हवाले से इसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तब जाकर आप इसको इसकी वर्किंग कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे आपके पास है, आप पास आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, तो असेंबली ड्राइंग। इन दिस टाइप ऑफ ड्राइंग ऑल पार्ट्स कंपोनेंट आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव वर्किंग पोजीशन एज वेल एज इट शोज कंप्लीट यूनिट। ये जैसा उसकी जो पोजीशन है वो वर्किंग पोजीशन के लिहाज से उसको इकट्ठा किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो एक कंप्लीट यूनिट होता है, यानी पार्ट्स को, सब पार्ट्स को मिलाकर आगे जब मशीन पार्ट के साथ या मेन स्ट्रक्चर के साथ उसको जोड़ा जाता है, तो वो आपके इस पार्ट को उसको असेंबली ड्राइंग कहा जाता है। यानी आपने पार्ट्स को जोड़ना है, जोड़ के कंप्लीट यूनिट की तरफ लाना है, उस हवाले से जब आप ड्राइंग ड्रा करते हैं तो वो असेंबली ड्राइंग कराती है। दूसरी आती है एक्सप्लोडेड ड्राइंग। एक्सप्लोडेड, इन दिस टाइप ऑफ ड्राइंग ऑल द कंपोनेंट्स पार्ट्स आर ड्रॉन इन द मोड ऑफ असेंबली। ये एक ऐसी बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग है, जिसमें जो आपका अनस्किल्ड पर्सन है वो भी, उसको भी अगर उसके सामने बिठा दिया जाए तो ये असेंबली लाइन के हवाले से इसको किया जाता है। जैसे इसकी कंप्लीट जो आपके पार्ट्स होते हैं उनको एक बिलतरतीब जो है वो रखा जाता है, और उसकी ड्राइंग उस तरीके से शो की जाती है कि जो ड्राइंग को नहीं जानते हुए भी उसको वो उन पार्ट्स को आपस में इस अरेंजमेंट के साथ जब करीब करता है तो वो आसानी से उसको वो असेंबल कर लेता है। बेसिकली ये भी एक असेंबली की उसमें से टाइप में से है, लेकिन इसमें आसानी ये है कि जिस पोजीशन पे वो पार्ट होगा उसको सिर्फ आपने करीब करना है, एक दूसरे के साथ लाना है, तो उसको आसानी से आप असेंबल कर सकते हैं, आप उसको जोड़ सकते हैं। दूसरे आपके पास है वेल्डिंग ड्राइंग। उस बात आते हैं वेल्डिंग ड्राइंग, इट इज द नेसेसिटी टू गिव द मेथड ऑफ फास्टनिंग एंड इट्स कंप्लीट डिटेल द ड्राइंग व्हिच गिव्स ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेल्डिंग ड्राइंग। जब फास्टनिंग करनी होती है, हमने वेल्डिंग करनी होती है, पार्ट्स को जोड़ना होता है, उस हवाले से हम वेल्डिंग का सहारा लेते हैं, वेल्डिंग करते हैं, और उस हवाले से वेल्डिंग के मुतालिक फिर आपके पास जॉइंट्स होते हैं, बट जॉइंट है, जो आपका लैप जॉइंट है उसमें फिलेट है, या आपने ग्रूव्स उसमें काटनी है, तो वो कंप्लीट के कंप्लीट जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी उस वक्त तक आप आसानी से उसको
वेल्ड नहीं कर सकते, उन पार्ट्स को उसकी फासनिंग नहीं कर सकते, इस हवाले से उसके बाद रेफरेंस लाइन से आपका पार्ट जो है वो आपने वेल्ड किस साइड पे परफॉर्म करना है वो आपने उसकी रेफरेंस लाइन से नीचे की जाने, अगर आपका सिंबल होगा उसका वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सिंबल ऊपर होगा रेफरेंस लाइन से तो फिर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इस किस्म की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी वेल्डिंग ड्राइंग के अंदर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ टेक्निकल ड्राइंग की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेकी।